हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यार गाइस, सो सॉरी क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया इस वीडियो को अपलोड करने में। हाँ, मेरे को पता है गाइस कि सभी लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और साथ ही साथ मेरे भी चल रहे हैं। तो भाई सब लोग ना पहले कमेंट्स में ये बता दो कि आप लोगों के भी एग्जाम अच्छे जा रहे हैं या मेरी तरह गंदे, बता दो यार कमेंट्स में। मेरे को टेंशन हो रहा है, पता चले कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं। छोड़ो यार गाइस, तो चलो इस वीडियो की बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जो आपको पीछे एक प्यारा सा एक स्क्वायर टाइप का हाउस दिख रहा है ना, वो बनाया था। और भाई थोड़ा सा मेरा मैथ्स वीक है तो इसी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई और जहाँ पे हमारा वन ब्लॉक है एग्जैक्ट वहीं पे ये घर आ चुका है। तो इस वाले वीडियो में हमको ये रिपेयर करना है। और सेकंड थिंग कि यार देखो, हमारे बहुत दिन हो गए कि वन ब्लॉक का कोई वीडियो आ नहीं रहा था, अभी फाइनली आ चुका है। तो हमको खेती बाड़ी भी करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है अच्छा सा। और ट्राई करेंगे ये वाला फेज इस वीडियो में ख़त्म किया जाए और थोड़ी सी यूनिक चीज़ें करने की भी कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में। और भाई पता नहीं अभी कब आएगा मेरे साथ खेलने के लिए, अभी तक तो नहीं पता क्योंकि व्हाट्सएप पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा। तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। ओके भाई, मेरी पुरुष के जो पेड़ थे ना वो बड़े हो चुके हैं और मेरे को अभी, मैंने बोला था ना मेरे को वो घर तोड़ना है तो तोड़ के फिर से एक नया बनाना है। तो इसके लिए मेरे को बहुत सारे स्प्रूस की लकड़ियाँ चाहिए होगी, तो मैं जल्दी से ना ये सारे पेड़ तोड़ के वापस मिलता हूँ आपसे। भाई साहब, मुझे तो लगने लगा है कि अभी मेरे को जिंदगी भर लकड़ी की कभी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई स्प्रूस के सिर्फ दो पेड़ काटो और दो स्टैक लकड़ी ले लो भाई, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और लकड़ी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। भाई कमेंट्स में सच सच बोलना भाई, जिस जिस को भी ये पानी मेरी तरह अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसे ऊपर से, भाई एक तो बेकार सी आवाज़ भी करता है और साथ ही साथ दिखने में भी अच्छा नहीं। मतलब मैंने स्क्वायर बनाया था लेकिन भाई आउट ऑफ कैलकुलेशंस ब्रो, एक साइड पे वन ब्लॉक है और जहाँ पे मेन एरिया आता है ना वहीं पे मैंने घर बना दिया है। अभी के लिए तो ये पूरा का पूरा लूट जो चेस्ट में मिली है वो सारा कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं उसको यार, टेराकोटा बोलते हैं या कैराकोटा बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट भाई कमेंट्स में बता दो यार। वो वही फेज चल रहा है ये, और जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी 150 ब्लॉक बाकी है। भाई दिल से सच बोल रहा हूँ यार, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी मतलब वन ब्लॉक यहाँ पे तोड़ने आता हूँ ना, तब अंदर से एक आवाज़ आती है छोटी सी, भाई प्लीज यार क्रीपर भाई आओ मत प्लीज थोड़ा सा। अरे भाई क्या शैतान बंदा है अबे भाई, देखो मैं इस बात की बोल रहा हूँ तो चलो इस बार तो कोई ज़्यादा नहीं हुआ नुकसान, लेकिन भाई देखो ना यहाँ पे मेरा घर है भाई, घर भी तोड़ देता है भाई, इस बार पता नहीं किसे बच गया। लोल यार मेरी फटके हाथ में आ गई। भाई लोग मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी आप लोग, अरे भाई 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 नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या हुआ भाई, मेन टाइम पे मैंने शील्ड हटा दी यार, भाई मेरा सारा का सारा लूट नीचे गया 100% यार, बच गया भाई 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 मेरा, अगर ये लूट सब कुछ नीचे जाता ना मेरे यहीं पे रो देने वाला था भाई, सच बोल रहा हूँ यार, मेरा पूरा आर्मर था भाई। चलो भाई लेकिन फिर भी यार कुछ कुछ चीज़ें तो नहीं है, देखो मेरा वेस्ट नहीं है पहली बात और बूट नहीं है, पता नहीं ये मैंने पहले पहनी थी या नहीं, मैंने देखा ही नहीं, चलो जो गया वो गया, जो है उसी में खुश है हम। इसके बाद टूटी हुई चीज़ें मैंने वापस से रिपेयर की और फिर मैंने कुछ टूल्स बनाए और अपने लिए बनाए खतरनाक सा आर्मर जो कि मुझको माइनक्राफ्ट के मॉब से बचाने वाला था। और साथ ही साथ मैं तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल ही गया, मेरे एकदम प्यारे सेंट रैबिट्स, इन लोगों को मैंने कैद नहीं किया हुआ है, इन लोगों को मैंने आज़ादी दी है क्योंकि खेती इनका घर है। फिर तो क्या एक ही काम बचा था हमारे पास, इस फेज को ख़त्म होने तक मैं करता रहा लगातार दिन रात मेहनत माइनिंग के साथ। A few moments later. Okay guys, तो अभी ना सिर्फ 5 ब्लॉक बाकी है भाई हमारे इस फेज को ख़त्म होने में, अभी 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक भाई लास्ट ब्लॉक है ये हमारा कोल का, ख़त्म भाई फेज ख़त्म भाई। ये वाला सबसे गंदा फेज था यार, मतलब सबसे ज़्यादा बार में क्रीपर से इसी फेज में मरा था,
शायद इसमें ज्यादा रेड टेराकोटा, ब्राउन टेराकोटा ये कुछ मिल रहा था, ये फेस मतलब ये बायोम होती है ना एक। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट फेज आ चुका है और वो फेज है जंगल। जंगल में मंगल करेंगे हम सब लोग मिलके, ठीक है? और हाँ, मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। भाई अभी तक 85 ब्लॉक्स तोड़ दिए मैंने, लेकिन मेरे को ब्लॉक्स मतलब टट्टी के अलावा और कुछ मिला ही नहीं। भाई मेरे को डायमंड कब दोगे आप लोग? सातवां फेज चल रहा है गाइस और मेरे पास एक भी डायमंड नहीं है, एक भी, एक लोता डायमंड भी नहीं है। लोगों के पास एक लोता बच्चा होता है, मेरे पास डायमंड नहीं। क्या बोला तूने? अबे भाई तुम लोगों को क्या लगा भाई मैं कुछ भी बोल दूंगा? अरे भाई मेरे पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है भाई। लिटरली यार सच बोलो तो मैं बोल देने वाला था, लेकिन एन मौके पे मैंने अपने आप पे ना कंट्रोल कर लिया। अभी भाई ये बात ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, भाई जिसको समझा वो समझा, जिसको नहीं समझा भाई वो जाके पोगो देखो जा। बहुत देर माइनिंग करने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो। ओ माई गुडनेस भाई, ये सांड कहाँ से आ गया भाई? अरे भाई ये हो क्या रहा है? एक मिनट, इसको मार दूंगा मैं, आराम से मार दूंगा। ओ भाई 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 नॉक बैक कितना दे रहा है? एक मिनट, ये देख, एक मिनट भाई आ जा। अरे नहीं यार मेरी शील्ड टूट जाएगी ऐसी, तो भाई बचाओ यार कोई। भाई ये सांड भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, बचाओ यार कोई एक। अरे ये गाइस तुम लोग देख रहे हो, मेरे को मत देखो। ये देखो ये इसके सिंग से ये सारे पत्ते तोड़ रहा है भाई, मतलब ये ब्लॉक भी तोड़ सकते हैं अपने सिंग से। देखना अभी जैसे आगे आएगा ना, देखना भाई। ओ भाई साहब ये देखो भाई पत्ते तोड़ के आ रहा है मेरे को मारने के लिए। भाई मत मारना यार प्लीज भाई, डेढ़ हार्ट पे हूँ भाई, ये पूरे पत्ते तोड़ के आ रहा है यार, मेरी शील्ड टूट जाए भाई। मार दिया यार भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला इसको मारने के लिए। एक मिनट भाई मेरे पीछे से, अरे भाई रुक जाना। अरे भाग 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 भाग, ये पानी यार, हट हट भाई मेरी पूरी लूट चली जाएगी ये। भाई बचाओ यार कोई हो यहाँ पे, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई, चढ़ना। अरे क्या हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? कहाँ पे ये नहीं आया? चलो एक मिनट, मेरे को मेरी लू, अरे नहीं आगे 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 आगे, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर ऊपर ऊपर। भाई क्या हो रहा है भाई, मैं नूब हूँ भाई, सबसे बड़ा नूब भाई, ये वन ब्लॉक में कैसे आ सकता है यार बिना रेड के? ये रेवेंजर स्पॉन हो गया यहाँ पे, 15 बार मर चुका हूँ गाइस और मेरे को ना समझ में ही नहीं आ रहा भाई। आ रहा है भाई, आ गया भाई, इसको पता नहीं क्या चाहिए भाई। भाई भाग 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 भाई, नहीं 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 प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं 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 भाई, ये अटक गया भाई साहब। यार कितनी देर से मार रहा था यार, 10-15 बार मैं मरा होऊंगा इससे पहले भाई। क्या भसड़ मच गई यहाँ पे यार, हालत खराब हो गई थी, सच बोल रहा हूँ। मेरा आधे से ज्यादा सामान तो डिस्पॉन हो गया होगा भाई, देख सकते हो मैं कहाँ नहीं मरा होऊंगा आज। अरे रैवेजर बहुत खतरनाक है यार, ये 3 हिट में तो बंदा खत्म। ओ भाई एक साथ दो दो पांडास। भाई साहब एक बोट बनाता हूँ, ठीक है भाई? एक बोट बन चुके हमारी, और भाई इस बोट में बिठा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है पांडास लीड से नहीं आते। लेकिन एक सेकंड भाई, यहाँ पे इस बोट से ये लीड को कलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, और साथ ही साथ मेरे को इसमें बैठने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है भाई? ये भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर पांडा बोट में बैठ जाए तो हम बैठ नहीं सकते क्या? लिटरली मैं इसके ऊपर खड़े हो रहा हूँ फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा यार, देख सकते हो? ओ भाई साहब यहाँ पे मैं बोट को टच कर रहा हूँ तो फिर ये पांडा को लग रही है यार, आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि ये प्राणी ना शांत नहीं होते भाई, काटते भाई मतलब ये बाकी शीप वगैरह, मतलब शीप हो गई गाय हो गई, इनकी जैसे नहीं है, इनको अगर मारेंगे तो ये वापस हमला करते हैं। लेकिन भाई इसमें बैठू कैसे मैं? इसको ले जाना है मेरे को उस साइड पे, ढकेलते ले जाना होगा यार, मैंने गलती कर दी इसमें बिठाते, मतलब इससे तो बहुत स्लो जाएगा यार। जैसे ये बाहर था मतलब नॉर्मली, तब मैं इसको धक्का दे के ले जा सकता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है और इसको तोड़ भी नहीं सकता यार मैं, आई एम सो सॉरी यार ब्रो। जितने भी पांडा लवर्स है भाई, आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि इसकी हत्या करनी पड़ेगी मेरे को भाई, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था। मैं इसको धक्का देने की भी ट्राई कर रहा था, लेकिन ये हिल ही नहीं रहा था जगह से, और साथ ही साथ मैं इसमें बैठ भी नहीं पा रहा था, तो भाई इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस बोट में पहले मैं बैठूंगा, उसके बाद मैं इसको बिठाऊंगा। चलो यार देखो अभी कैसे ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे पहले नहीं आ रहा था, तो बैठ जा भाई, अभी इधर आ जा, अभी वहाँ पे नहीं बैठना, मेरी बोट में बैठ भाई।
क्या गंदा आदमी। ओके फाइनली ये बैठ चुका है भाई। इतना धीमा मैंने अभी तक साइकिल भी नहीं चलाई भाई, जितना मैं इस बोर्ड को चलाते हुए ला रहा हूँ यहाँ तक। और अभी ये तोड़ना पड़ेगा नहीं तो ये अंदर नहीं जाएगा। चलो भाई धीरे से अंदर ले जाना पड़ेगा। और भाई अभी मेरे पास और एक क्वेश्चन है कि भाई इस पांडव को मैं इस बोट से कैसे निकालूं। देखो जैसे मैं उतर गया इसने तो पूरी बोट ले ली, अब मैं इसको निकालूं कैसे बाहर यार। ये मेरे को पहले पता होना चाहिए था। देखो इस बोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पांडव को लगी जा रही है। भाई मेरे को एक बात बता पांडव भाई, क्या तू हमेशा के लिए इस बोट में रहना पसंद करेगा? छोड़ो कुछ नहीं भाई, इसको हमेशा के लिए यहीं पे रहने देते। ये काट रहा है भाई। भाई अरे नाराज मत हो यार, मेरे को भी बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी यार, इसको बहुत जोर से, मेरे को लगा ये बैठ गए तो हम बोर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहीं पे भी मारूँ तो पांडा को क्यों लग रहा है यार, मेरे को बुरा फील हो रहा है भाई। माइनक्राफ्ट में मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है यार ये, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी, हमेशा हमेशा के लिए उसको वहीं पे रहना पड़े। आप लोगों को अगर पता हो ना तो यार प्लीज़ कमेंट्स में बता दो यार, उस पांडा को बाहर कैसे निकालूं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई। बुरे की बात छोड़ो, यहाँ पे और भी दो पांडा आ चुके हैं इनको। अरे भाई ये तो नहाने लग गया यार। अरे भाई वो पानी बहुत गंदा है, बहुत दिनों से वहीं पे बह रहा है भाई, बाहर आ जा भाई। ये कितना क्यूट लग रहा है यार, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ माइनक्राफ्ट में ऐसे पानी में कूदते हुए इनको, वो भी उल्टा, ऐसा लग रहा है जैसे कि नहा रहा है भाई, पानी में खेल रहे दोनों, ऐसा लग रहा है। कोई ना भाई तू वहीं पे लेटा रहे, मैं यहाँ पे आराम से ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। लेकिन भाई क्रीपर स्पॉन हो गया तो दोनों मरेंगे यार, बाहर आ जाओ यार, सर्दी हो जाएगी तुमको, सर्दी जुकाम जो कुछ होता है वो हो जाएगी। एक को तो ऑलरेडी हो गई है शायद, देख इसकी नाक बहने लगी यार, गजब चीज़ है पान। ठीक है भाई, ठीक हो गया भाई फाइन। अरे भाई अब क्या हुआ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, बाहर आ जाओ, तुम्हारी भी नाक बहने लग जाएगी उस दूसरे पांडा की तरह। हे गाइस, तो पूरे दो दिन के बाद मैं एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करने के लिए वापस आ चुका हूँ। और भाई आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो घर था ना वो उसको बाय बाय बोल दिया मैंने, पूरा तोड़ दिया। और भाई क्रीपर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो मैंने एक छोटा सा जुगाड़ कर लिया, जो बंदा फ्री फायर, अरे भाई ये बार बार फ्री फायर क्यों आता है दिमाग में, जो भी बंदा पुराना खिलाड़ी होगा ना माइनक्राफ्ट का तो उसको पता है ये किसके लिए। भाई ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना वो क्या बोलते हैं उसको, आई एम नूब, क्रीपर के लिए भाई। ये चीज़ मैंने बनाया क्रीपर के लिए, क्योंकि अगर क्रीपर आया भी और फटा भी तो भी पानी में फटेगा, उसके फटने से हमको एक कोड़ी का भी नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो ये कितनी औसम चीज़ है। ये मेरे को बहुत पहले ही बना देना चाहिए था, क्योंकि लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं था। और ये ट्रैप डोर पता नहीं कैसे गलत लग गया, एक मिनट इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इसको तोड़ते थोड़ा सा पानी तो बाहर आएगा, क्योंकि ये ट्रैप डोर इसी के लिए, क्योंकि पानी बाहर आता है और पानी बहुत नॉनसेंस चीज़ है। देखो इस तरीके से बहती है तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक छोटा सा जुगाड़ है गाइस, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहीं यूट्यूब पे नहीं देखा यूट्यूब पे। और भाई मतलब थोड़ा सा ट्रैप डोर का हमको भी पता है कि पानी रोक सकता है, तो फिर इसलिए यूज़ कर लिया। जब ब्लॉक नहीं तोड़ना तो ऐसे बंद कर दो, जब ब्लॉक तोड़ना है तो ऐसे ओपन करो और ब्लॉक माइनिंग स्टार्ट। भाई मेरे को पता है यार, बहुत सारे बंदों को ना ये वाली ट्रिक, मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, जो वन ब्लॉक खेलते हैं स्पेशली, उनको पहले से पता होगी। तो भाई तो मैं ये नहीं, अरे भाई ये फिर से नहीं यार, एक मिनट रेवेजर भाई प्लीज़ माफ़ कर दे भाई, मेरे पास शील्ड भी नहीं है इस बार यार, प्लीज़ भाई तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, मत आ जा भाई। ये नहीं आ रहा मारने के लिए, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, मैं तीन हार्ट भाई मार दिया, लो मेरे को भाई ग्लिच मेरे को, अरे भाई मैं फंस चुका हूँ भाई। सबसे बढ़िया देखो भाई, ये सबसे खतरनाक एग्जांपल है भाई, रेवेजर भी मेरा कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पानी के अंदर हूँ बेसिकली, अभी मैं भी थोड़ी देर में मर जाने वाला हूँ। तो भाई रेवेजर तू पहले मर, उसके बाद मैं मरता हूँ भाई। देखो रेवेजर भी मेरे को नहीं मार पा रहा, और क्रीपर यहाँ पे अंदर फंसेगा ऐसा ही, कोई भी मॉब हो ये जब ऐसे फंसेंगे ना यहाँ पे फटेंगे तो भी बाहर वाले आदमी को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे पानी में रहने वाले हैं। तो अभी इस चीज़ के बदौलत ना आपको एकदम तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेरे को बाहर जाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को, इसलिए आप एक मिनट भाई जल्दी टूट, मैं फिर से मर जाऊंगा यार। ओके यार गाइस, मैं यहाँ पे ना अभी एकदम आराम से माइनिंग कर सकता हूँ भाई, जंगल बायोम भी खत्म होने को है अभी, मतलब मैंने 150 ब्लॉक तो माइन कर दिए। ओह माय, एक मिनट, डायमंड है क्या वो? शिट भाई साहब, कितने दिनों बाद, कितने एपिसोड के बाद, कितने फेज के बाद भाई
ढाई हजार ब्लॉक तोड़ने के बाद भाई मेरे को फाइनली मेरा पहला डायमंड मिल गया। सीरियसली यार गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाई, पहला डायमंड मिला है मेरे को भाई। मतलब बाकी मैंने जितने भी वन ब्लॉक सीरीज देख रहा हूँ ना उनको, अरे भाई क्रीपर भाई तेरे फटने से कुछ भी नहीं होगा भाई। बोला था ना यार गाइस मैंने आपको कि कुछ भी नहीं होने वाला, एक रुपए का भी कुछ नहीं, बस थोड़े से एक लामा मर गया और साथ ही में इसको थोड़ा सा डैमेज बैठा होगा। डैमेज चलो मैं मानता हूँ डैमेज जाता है, लेकिन एक ब्लॉक भी नहीं टूटने वाला, तो अभी आपके सामने प्रूफ हो चुका है। और गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अबीर ऑनलाइन आया था और देखो सामने एक लावा फॉर्म दिख रहा होगा। आप ये बोलोगे कि लावा कहाँ से आया होगा, जब हमको स्टार्टिंग में एक चेस्ट से लावा मिला था तब अबीर ना गाइस मतलब वो लावा अबीर के पास था और तब से वो लेकर अभी तक वो ऑनलाइन नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कल अचानक से वो ऑनलाइन आया, वर्ल्ड ज्वाइन किया। और भाई मैंने उसको मतलब मैंने नहीं बोला उसको, उसने खुद से अपने मन से भाई सबसे पहले क्या किया कि एक लावा फार्म बना दिया। तो भाई इस लावा से हमने देख सकते हो यहाँ पे कितना कुछ मतलब लावा कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद भाई उसने क्या किया कि एक कोबलस्टोन फार्म बना दिया। अभी कोबलस्टोन फार्म तो वर्क कर रहा है, और आप बोलोगे ये सब रिकॉर्ड करने के टाइम मैं कहाँ था, तो भाई मैं भाई जब वो ऑनलाइन आया था तब मैं ऑफलाइन था, मतलब मैं ऑनलाइन जब आया तब वो ऑफलाइन चला गया। भाई अभी बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे यार मेरे ऊपर, लेकिन भाई जो भी मेरा पुराना व्यूवर्स है ना भाई, तो उनको पता है कि जो लावा था ना वो अबीर के इन्वेंट्री में चला गया था। और आपको पता है ना गाइस एक लावा बकेट की वजह से हम बहुत सारा लावा क्रिएट कर सकते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की हमने। ओके गाइस तो यार आज के इस वीडियो में ना हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अभी एक काम और बाकी है ठीक है, वीडियो एंड नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है पूरा देख लेना ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक एक्स बना लेते हैं और एक पिकेक्स भी, और साथ ही साथ मेरे को एक सॉर्ड की भी ज़रूरत है क्योंकि मेरी सॉर्ड भी लगभग टूटने वाली थी। मतलब भाई स्टोन की सॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा आयरन का था वो पता नहीं कहाँ पे चला गया मेरा, तो अभी एक बना लेते हैं भाई जल्दी से चलते हैं हमारे फार्म के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हमको फार्म एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फार्म एक्सपांड करेंगे तब हम ज़्यादा सीड्स लगा सकते हैं वहाँ पे। गाइस फार्म का ना काम लगभग तो पूरा हो चुका है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा डर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आ चुका हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी डर्ट मिल भाई, आज डर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। और भाई साहब पता नहीं क्यों, अरे ओके डर्ट मिलना स्टार्ट हुई, लेकिन बीच के कुछ दो तीन फेज ना मेरे को डर्ट भी नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे ओह माय गॉड यार इफिशियंसी फोर वाली आयरन की एग्स मिली है भाई, ये भाई बहुत बड़ी चीज़। देखो इसकी स्पीड देखो, लिटरली टच करते टूट गया फटाक से। भाई साहब यार कुछ भी बोलो यार, मज़ा आ गया। चलो जो भी काम की चीज़ें नहीं ना मैं आज से यहाँ पे डालूंगा। तो भाई आज माइनिंग करके जितना भी कूड़ा मिलेगा ना मेरे को अभी से, तो सारा का सारा इन चेस्ट में जाएगा। अभी के लिए भाई जल्दी जल्दी डर्ट तोड़ता हूँ मैं। ओके यार गाइस आप लोग बोल रहे होंगे कि ये इंचेंटेड पिकेक्स कहाँ से है, भाई मेरे पास एक नहीं है, देखो मेरे पास टोटल चार पिकेक्स है, और ये सारी उसी चेस्ट में से मिली थी जिस चेस्ट में से हमको एक्स मिली थी, और एक एक्स्ट्रा मिली मेरे को। भाई साहब यार मतलब मज़ा आ गया यार, जंगल वाले इस फेज में ना बहुत कुछ मिला है, अभी ये फेज भी लिटरली लगभग ख़त्म होने वाला है। तो यार गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही यार, मेरे को पता है यार बहुत दिनों बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज बोलने में और कमेंट करने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है।
अभी भी एक बार जब मैं फिर से वीडियो चेक करूंगा ना, जो चीज़ मुझको अच्छा नहीं लगेगा वो मैं डिलीट कर दूंगा कमेंट में, और उसकी जगह और भी मतलब दोबारा से कमेंट करूंगा, तो कोई बात नहीं यार गाइस। लेकिन जिस भी बंदे को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना यार। अभी अभी 300 सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा 350 का, तो प्लीज़ कंप्लीट करवा देना भाई। अभी मेरे को नहीं पता कि कितने लोग ये वीडियो देखने वाले, क्या होगा भाई, लेकिन जितने भी लोग वीडियो देखे ना यार, चाहो पूरा ना देखो लेकिन एटलीस्ट एक लाइक कर देना यार, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से ना इस गरीब का ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो यार गाइस मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।